ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि थ्री कंसेक्टिव वर्ड नंबर्स वाले होते हैं, इनको इस तरह किया जाता है। लेट से ठीक फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर, तो इज एक्स, सो द अदर ऑड नंबर वुड बी एक्स प्लस टू, एंड अदर उसके बाद का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर विल बी एक्स प्लस फोर। अच्छा, इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? लेट्स से कि आपका पहला ऑड नंबर है 1, तो सेकंड कंसेक्यूटिव होगा 3, उसके बाद होगा 5, ठीक है? या आप लेट्स से आप कहते हैं फर्स्ट ऑड नंबर इज 13, तो उसके बाद कंसेक्यूटिव है 15, फिर है 17, सो लेट्स से ये एक्स है, तो ये एक्स प्लस 2 हो गया और ये एक्स प्लस 4 हो गया। सो ये इसका प्रूफ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि जो 3 नंबर्स हैं कंजेक्टिव ऑड नंबर्स हैं उनका सम 273 है, तो ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन तो एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 273। अब सवाल में हमारे पास एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। जब एक वेरिएबल एक इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। वो कैसे आएगा अब इसको हम सॉल्व करके देखें। एक्स प्लस एक्स वुड बी 3x प्लस 6 इक्वल टू 273। 6 जो आया है वो 2 एंड 4 को प्लस करके आया है, उसके बाद 3x, 6 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 273 माइनस 6। दिस वुड बिकम एक्स इक्वल टू 3x इक्वल टू 267, ठीक है? अब 3x इक्वल टू 267 हो गया है। अब क्योंकि एक्स यहाँ पे इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके एक्स डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स वुड बी 267 डिवाइड बाय 3। दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 89। खैर मैंने मेंटल मैथ से किया तो आई माइट बी अ बिट ऑफ, बट आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। तो अगर एक्स इक्वल टू 89 है फर्स्ट ऑड नंबर हमारा, तो सेकेंड ऑड नंबर वुड बी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 91, एंड थर्ड ऑड नंबर वुड बी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 93। अब इसका चेक हम लगा देते हैं, ठीक है? तो दोबारा चेक कर देते, चेक वुड बी चेक, ठीक है? चेक होगा 39 प्लस 91 प्लस 93 इक्वल टू, ये 273 के इक्वल आना चाहिए। 89 प्लस 91 वुड बी 180 एंड 93 273। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस आंसर हमारा ठीक है। सो ये क्वेश्चन इस तरह किया जाता है। अगली अगली वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा।